झाबुआ में एस ने, ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बस स्टैंड फब्बारा चौक पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला फूंका। गांधी जी को फर्जी राष्ट्रपिता कहने पर विरोध जताया उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एस की जिला इकाई झाबुआ द्वारा देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चौहत्तरवी पुण्यतिथि मनाई गई इस दौरान बस स्टैंड स्थित फब्बारा चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय घोष लगाने के बाद महात्मा गांधी को फर्जी राष्ट्रपिता कहने वाले मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया गया साथ ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस्तीफा देने की मांग की गयी एनईसीआई द्वारा बस स्टैंड चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा का जल और दूध से अभिषेक कर बाद में सभी से प्रतिमा पर बारी बारी ऐसी माल्यार्पण कराया गया इस दौरान एन एस जिला अध्यक्ष विनय भावोर ने कहा कि महात्मा गांधी भारत देश के राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए देश की जनता को एक किया फिर अंग्रेजों को देश से तो भगाने के लिए देश छोड़ो आंदोलन चलाया गांधी जी का मानना था कि भारत देश गांव में बसता है इसलिए गांवों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाकर गांव को मजबूत किया जाए आज गांव में जो मनरेगा योजना चल रही है वह भी महात्मा गांधी के विचारों की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरा विश्व मानता है और उनका सम्मान करता है परंतु कुछ कतिपय लोग गांधी जी का आये दिन अपमान करते रहते हैं जिसका संगठन उग्र विरोध करता है कहने वाले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का इस दौरान जमकर नारेबाजी कर विरोध किया गया साथ ही नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा देने की मांग की गई झाबुआ से कमलेश सोनी की रिपोर्ट